क्यों निकले मतलब? हाँ, अगर करण तुम्हें दोबारा देखेगा ना तो उसका शक तुम पर बढ़ता जाएगा। उसने अभी अभी हम दोनों को एक साथ देखा है। कुछ किया नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। और कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जो तुम्हारे और मेरे लिए घातक हो, स्पेशली तुम्हारे लिए। अब देखना, वो करण पल पल तुम पे नजर रखेगा, हजार सवाल करेगा। अगर तुम उसे जवाब नहीं दोगे ना तो भी उसकी आंखें बहुत शातिर हैं। वो तुम्हारा चेहरा देख के समझ जाएगा कि तुमने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है। करण के सामने आना मतलब मुसीबत में मुसीबत। तो ये फालतू के सवाल मत करो। तुम एक काम करो, अभी यहाँ से निकलो और उसके बाद मैं निकलती हूँ, फिर हम बैठ के डिस्कस करेंगे करण लुथरा का करना क्या है। बेबी मैं अभी कैसे? तुम अभी कैसे निकल सकते हो? तुम्हें तो वो प्रीता जी से मिलकर निकलना है ना। यार तुम कैसी बातें कर रही हो? जस्ट लीव राइट नाउ। ये मूर्खों की महारानी ना आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रही, कुछ ज्यादा ही डेढ़शानी बन रही है। इसको प्यार नहीं, प्यार की बारिश चाहिए। मैंने सुना था कि प्रेग्नेंट औरतें ना बहुत ज्यादा खाती है, पर ये दिन रात मेरा भेजा खाती है। एक काम करता हूँ, अभी जाके मिल लेता हूँ इसे, इसका थोड़ा सा शक दूर हो जाएगा। चिल्ली डंडा पिटर ने भी मेरा दिन खराब कर दिया, कितना अच्छा चांस था। प्रीता जी मेरी केयर करती, कंसर्न दिखाती, प्यार दिखाती, पर एंड टाइम पर टाइम ने धोखा दे दिया। जो चुड़ैल शर्लिन है ना, वो पृथ्वी के साथ होली मना रही थी। मुझे तो इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर लग रहा है। क्या हुआ? तुम दोनों की हवाइयां क्यों उड़ गई? कुछ है क्या ऐसा, या फिर ऐसा ही है? बोलो पृथ्वी, कुछ है ऐसा क्या? हाँ है। मुझे सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि शर्लिन और पृथ्वी के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है। आई मीन, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि शर्लिन और पृथ्वी एक की डाल के तोता में ना, तो मेरे हार्ट डबल लॉटरी का टिकट लग जाएगा। आई मीन नो बॉल बे सिक्सर। यस, ऋषभ की शादी शर्लिन से टूट जाएगी और प्रीता की एंगेजमेंट पृथ्वी से। अब इन दोनों पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, और सबूत भी शूट करना पड़ेगा ताकि किसी भी तरीके से ये दोनों बच ना पाए। मैं उस दाढ़ी वाले बक्चे को प्रीता की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। हाँ तो पृथ्वी जी, कहाँ जा रहे हो? वो डॉक्टर आ रहा है अभी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं आंटी जी। मॉम का कॉल आया था तो मैंने उनसे कहा कि मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। अब अगर इस पॉइंट पे मैंने उनको इस गांव के बारे में बता दिया तो बहुत टेंशन हो जाएगी, और वैसे भी मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तो घर जाके चेंज करूंगा एंड ऑल दैट। एनीवेज, थैंक यू फॉर योर कंसर्न आंटी जी। ठीक है। ठीक है करीना आंटी, मुझे अब घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, मॉम मेरा वेट कर रहे होंगे। ओके, यू टेक केयर, और संजना को मेरी तरफ से विश कर देना। श्योर, बाय बाय। पहले पृथ्वी निकला और अब ये जा रही है, कहीं ये दोनों साथ में तो नहीं मिलने वाले? फॉलो करना पड़ेगा तो ही इन दोनों का सच और झूठ सामने आएगा। अगर मुझे पक्का प्रूफ मिल गया कि इन दोनों का कोई चक्कर है, कोई अफेयर, तो गॉड स्वेयर प्रीता की शादी तो तोड़वा ही दूंगा मैं इसके साथ, भाई की शादी भी नहीं होने दूंगा शर्लिन के साथ। अगर मेरा शक यकीन में बदल गया कि ये दोनों मिलकर लूथर फैमिली के साथ खेल खेल रहे हैं, तो आई स्वेयर मैं सबके सामने इन दोनों का पर्दाफाश करूंगा, और ऐसा करूंगा कि दोनों कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
अरे कहाँ रह गई थी बेबी? बेबी जल्दी चलो। मुझे पता ही था ये बकरा इसलिए यहाँ रुका था। आज मैं इस बकरे का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर ये दोनों इन दोनों में से किसी के भी घर गए तो फिर तो मेरा शक यकीन में बदल जाएगा। नहीं, इन दोनों को रंगे हाथ पकड़नी पड़ेगा मुझे। डायरेक्ट उनके मुंह से ही बोलूंगा कि सच क्या है। और एक बार दोनों के मुंह से सच निकल गया और अगर ये दोनों मुझे घर में एक साथ दिख गए तो प्रीता और ऋषभ की लाइफ बर्बाद होने से बच जाएगी, दोनों गलत शादियों से बच जाएंगे। प्रीता जी, इतना मत सोचिए। ऋषभ जी, मोनिशा ने पृथ्वी जी को छुरा मार दिया। कुछ भी हो सकता था, ये सब कुछ हुआ मेरी वजह से। प्रीता जी, सब कुछ भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ सही है। और वैसे भी आपके साथ जो हो तो फिर भी आप बिल्कुल करण की तरह बातें कर रहे हैं। अब मेरा भाई है तो कुछ सिमिलैरिटीज तो होंगी ना प्रीता जी। खैर, मैं ये कह रहा था जो आपके साथ हुआ वो तो फिर भी ठीक था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ ना, ना ही मैं किसी के साथ गुस्सा हो सकता हूँ, ना ही मैं किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, ना ही किसी को कुछ बोल सकता हूँ। क्योंकि जो कुछ भी हुआ ना प्रीता जी, वो मेरी अपनी गलती। मुझे वो भांग वाली ठंडाई नहीं पीनी चाहिए थी प्रीता जी, वही पी ली और उसी की वजह से मैं और शर्लिन। एक बात तुमने सही कही कि ऋषभ जी से शादी करने की मेरी प्लानिंग थी। पहले मैं मरी जा रही थी कि प्लीज मुझे शादी करा दो, लेकिन अब पूरा का पूरा लूथरा परिवार मरेगा। बैक करेगा मुझे कि प्लीज ऋषभ से शादी कर दो। ऋषभ जी, अब वो क्या शलिन है ना, मुझे समझ में नहीं आता। ये कोई हाईवे थोड़ी है, तो वो हाई बीम पे क्यों जा रही है गाड़ियाँ? शिड्डी पर कहते हैं। थैंक गॉड बच गए बेबी। थैंक्स टू यू कि तुमने सही समय पे ये गाड़ी की लाइट अपा कर दी, नहीं तो हम आज पकड़े जाते। थैंक गॉड उन्होंने हमें साथ में नहीं देखा, वरना आज एक लूथरा तो हम दोनों को साथ में देख ही लेता। देख भी लेता ना तो शक नहीं करता। लेकिन तुम्हारी वो प्रीता जी, उसे तो मैंने चैलेंज दिया था ना, वो जरूर 1-2 का 4 कर लेती। एनीवेज, अब हम सेफ हैं, अब हमें कोई नहीं दिख पाएगा। राइट बेबी। आज तो ये दोनों जहां तक जाएंगे वहां तक मैं इनका पीछा करूंगा। आज तुम इनका पर्दाफाश करके रहूंगा। करण, ये क्या? करण, ये लड़का किसी दिन मुझे हार्ट अटैक देगा। ये करण, करण, अरे कैसे? I don't understand। करण इतने गुस्से में इतनी तेज गाड़ी चलाकर कहाँ जा रहा है? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कर क्या रहा है ये? देखो बेबी निकल गया, सो स्वीट। बेबी बहुत दर्द हो रहा है। चुड़ैल मोनिशा की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। एक काम करो, तुम अभी कभी पुलिस स्टेशन चलो, उसे जाके जोर से तमाचा मारूंगी, उस अनारकली की जान बाहर निकल आएगी। बेबी काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। क्यों काम डाउन? बेबी बिकॉज तुम हो ना मेरे साथ, बस हो गया। यू नो हु यू आर, माय लकी चार्म। देखो तुम मेरे साथ हो, इसी वजह से तो आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ।
मौत हर बार मुझे छूके दूर चली जाती है क्योंकि तुम मेरे पास हो। मेरा गुड लक जाओ। लेकिन बेबी कुछ भी हो, तुम अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलो, उसका जाकर मैं मुंह तोड़ दूंगी। अरे उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई यार चुड़ैल कहीं की? बेबी हम नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अगर किसी ने हमें वहां देख लिया तो शक हो जाएगा कि हम मोनिशा से मिले हुए हैं। अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं कर सकते, हम खतरा नहीं ले सकते पुलिस स्टेशन जाके। अब ना तो प्रीता की शादी होगी दाढ़ी वाले बकरे से, ना शैलन की ऋषभ से। इन दोनों लफड़ेबाज लवर्स को तो मैं रंग के हाथों पकड़ लूंगा और इन दोनों की शादी मैं प्रीता और ऋषभ से तोड़ दूंगा। और दाढ़ी वाले बकरे तू, तुझसे तो मुझे प्रीता के नाम का एक एक्स्ट्रा बदला लेना है। बड़ी खातिरदारी करवा रहा था ना प्रीता से, अब तेरी खातिरदारी तो मैं करूंगा। ऋषभ आ गए तुम दोनों, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? एफआईआर लिखवा दी? जी, हमने मोनिशा के खिलाफ एक नई एफआईआर लिखवा दी। करीना बुआ, वो डॉक्टर आया था पृथ्वी को चेकअप करने के लिए? नहीं बेटा, डॉक्टर के आने से पहले पृथ्वी चला गया। कह रहा था कोई अर्जेंट काम है, उसका जाना जरूरी है। हमने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया रुकने के लिए, जाने दिया। लेकिन प्रीता, सरला जी घर चली गई है। दरअसल बीजी का फोन आया था, अर्जेंटली सरला जी को घर बुला लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। ऋषभ बेटा, मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है, मैंने उन्हें अपना कंसर्न बताया, पहले बिल्ला और अब मोनिशा। दिस इज नॉट डन। इस तरीके से मुजरिम अगर जेल तोड़ तोड़ कर भागेंगे तो किसी की जान को खतरा हो सकता है। एंड ही अश्योर्ड मी ही विल टेक केयर। बेटा लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी और बढ़ानी पड़ेगी, सीसीटीवी कैमरे और बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ भाई, और सिक्योरिटी गार्ड को कहेंगे कि ज्यादा ध्यान दे, हमें आधे आधे घंटे में इन्फॉर्म करे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। थैंक्स एवरीबॉडी। आप लोगों को सबको मुझ पर भरोसा है ना? ऑफ कोर्स बेटा, ट्रस्ट मी, आई विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। आप सब लोग सेफ हैं और सेफ रहेंगे, दिस इज माय प्रॉमिस। ऐसे सेफ है बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे हो जाता मॉम, कम ऑन, क्या हुआ आपको, ऐसे कैसे हो जाता? मैं आपका बेटा हूं ना, मुझे तो इतना बड़ा काम करना था, मुझे आपकी शादी करवानी थी डैड से, तो ऐसे कैसे मुझे कुछ हो जाता? ओह मम्मी, चिढ़ा रहे हो मुझे? अरे ऑफ कोर्स नॉट, ऐसे कुछ नहीं। वो एक्चुअली गलती से थोड़ी सी चढ़ गई थी तो नानी क्या कुछ कर दिया मैंने। गलती की मतलब आप मना कर रही शादी करने से? आपका जरूर कहीं चक्कर चल रहा है। महेशी, मैंने कहा ना आपसे, मुझसे गलती हो गई, वो होश में नहीं थी, अनजाने में पता नहीं क्या कुछ कर दिया मैंने, गलती हो गई, सॉरी। इसलिए तो कहते हैं कि नशा करना बुरी बात होती है। मतलब आप ये मानती है ना कि शादी एक बहुत बड़ी गलती है? तो फिर शादी कैंसिल कर दो। ऋषभ, बेबी सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा ड्रिंक लोगी तुम? नो अल्कोहल, ओनली जूस। ओके, आई अंडरस्टैंड, अभी लाया। ये लूथरास के यहाँ पे कोई भी फंक्शन में जाना कितना स्ट्रेसफुल होता है। अरे स्ट्रेस को मारो गोली, ये लो जूस पियो एंड लेट सेलिब्रेट होली। हो क्या गया आज, इतना प्यार क्यों आ रहा है? ताकि तुम्हें प्रीता जी के लिए मेरे प्यार पे शक ना हो। स्टूपिड, तुमसे कौन प्यार करता है आज? प्यार तो बहुत पहले आ चुका था, पता नहीं तुम्हें ही आज क्यों दिखा। तुम कौन? रोमियो। अच्छा, और तुम? मेरी जूलियट।
और ये रोमियो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है। चोट लगी है फिर भी मस्ती कम नहीं हुई। हाँ अरे हम यहाँ पे अकेले नहीं है। एक दो हम दोनों ही तो है, तीसरा कौन है यहाँ पर? तीसरा बेबी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस बच्चे के बारे में याद मत दिलाया करो, इस बच्चे के बारे में बात मत किया करो। ये बच्चा एक दिन तुम्हें और मुझे बुरी तरह से फंसाएगा, हमारा पर्दाफाश कर देगा। पर्दा तो हमारा कई बार फाश होते होते रह गया लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। और बेबी तुम्हें पता है क्या, शायद हमारा होने वाला बच्चा हमारे लिए बहुत लकी है, इसीलिए हम आज तक पकड़े नहीं गए। बेबी रिलैक्स, ही इज लकी फॉर अस। He is really lucky for us. Good luck या bad luck, ये तो वक्त ही बताएगा। जब से छोटे पृथ्वी मल्होत्रा ने अपने आने की न्यूज दी है तब से एक बार नहीं बार बार बुरे पस है। आज एक छोटी सी भी भूल हो जाती ना तो गिल्ली डंडा प्लेयर फंसा देता, रंगे हाथों पकड़ लेता। रिकॉर्ड करूंगा, सारे सबूत जोड़ूंगा और सब कुछ रीता को दिखाऊंगा, सबके सामने इनका पर्दाफाश। जब रीता को पता चलेगा ना इस पृथ्वी जी का असली रूप तो उसे खुद कितना सॉलिड झटका लगेगा। जब देखा पृथ्वी जी तब दिखाऊंगा उसे क्या है उसका ये दो टके का पृथ्वी जी। ये तो लॉक है यार, प्लीज। क्या हुआ, तुम अचानक से हंसने क्यों लगते? अरे गिल्ली डंडा प्लेयर का चेहरा याद आ गया, इतना छोटा हो गया था उसका चेहरा। याद है जब मैंने सबको कन्विंस कर दिया था कि प्रीता जी को बचाते वक्त मुझे नाइफ लग गई, वो गिल्ली डंडा प्लेयर जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसके बावजूद कुछ नहीं कर पाया, उसकी बोलती बंद हो गई थी, उसका चेहरा तब भी देखने लायक था जब प्रीता जी मुझे फर्स्ट एड कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जल के राख हो जाएगा। काफी लोग पॉट्स के नीचे कीस छुपाते हैं। गुस्से से क्यों देख रही हूँ मुझे? जब प्रीता तुम्हारा फर्स्ट डेट कर रही थी तुम भले ही करण को देख रहे होगे लेकिन मैं तुम्हें देख रही थी। जब भी वो प्रीता तुम्हारे आसपास रहती है तुम पृथ्वी मल्होत्रा से गुलाब सिंह बन जाते हो, तुम्हारा चेहरा खिल जाता है। नॉट अगेन प्लीज। क्यों? ऑलरेडी इस टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं और दी एंड भी कर दिया था इस टॉपिक का, फिर से नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्रीता जी प्रीता से प्यार करता हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पृथ्वी इतना भी दिमाग खराब नहीं हुआ है मेरा कि मैं तुम्हें ना पहचान, बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ तुम्हें। देखना एक दिन उस प्रीता के लिए तुम एक दिन में बदल जाओगे। Enough is enough। कब से बकवास किए जा रही है और मैं सुन रहा हूँ? Just because मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब मत करो। Just because तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुनता रहूंगा, तुम्हारे नखरे उठाते रहूंगा। देखो अब बहुत हो गया क्योंकि मेरा दिमाग सटक रहा है। Enough। दिल तोड़ के रख देती हूँ हर बार। Oh, excuse me। ये जो तुम्हारा मेलो ड्रामा है ना वो प्रीता और लूथरा फैमिली के लिए बचा के रखना मेरे पे काम नहीं करेगा। बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम्हें, जब गुस्से में तुमने मेरा गला दबा दिया था ना तब भी मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे पीछे पागलों की तरह दौड़ते हो, लेकिन आज जब तुमने कहा ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ऐसा लगता है तुम कोई फिल्म का डायलॉग मार रहे हो।
आंखों में प्यार नहीं दिखता पृथ्वी, क्योंकि तुम्हारी आंखें उस प्रीता को देखती रहती हैं।